सोलन के पीजी कॉलेज ने ऐतिहासिक ठोड़ो मैदान में एथलेटिक मीट का आयोजन किया। एथलेटिक मीट में पीजी कॉलेज की छात्र छात्राओं में खेल प्रतिभा के जौहर दिखाए। कार्यक्रम में पीजी कॉलेज की प्रधानाचार्य बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई और अव्वल आए विद्यार्थियों को इनाम देकर प्रोत्साहित भी किया। प्रतियोगिताओं में जेवलिन थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्क थ्रो और विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। प्रधानाचार्य नीलम कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पीजी कॉलेज द्वारा 61वीं एथलीट मीट आयोजित की जा रही है, जिसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन खेलों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करना है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का खेल से जहां एक ओर शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं दूसरी ओर मस्तिष्क भी तेज होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी के जीवन में खेल का बहुत महत्व होता है और यही वजह है कि खेल से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। आज ठोडो ग्राउंड में हमारे कॉलेज की 61वीं खेल कूद वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। और इसमें जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया, उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। युवाओं को मेरी तरफ से यही मैसेज है कि वो खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये एथलेटिक मीट भी या इस तरह के जो आयोजन किए जाते हैं वो बच्चों में, युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही किए जाते हैं, क्योंकि खेलों से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ जीवन में ही स्वस्थ दिमाग बसता है, उसी से उनका सर्वांगीण विकास होता है।